नमस्कार साथियों, आज हम आपको ले चलते हैं जनपद सीतापुर के तहसील क्षेत्र सिधौली के एम महाविद्यालय बाड़ी सिधौली सीतापुर में 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कॉलेज के सेक्रेटरी एडवोकेट MS फरीदी ने ध्वजारोहण किया। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। 72वां गणतंत्र दिवस एम एजुकेशनल ग्रुप के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बीएड व डीएलएड छात्र एवं छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे महाविद्यालय के सचिव एडवोकेट MS फरीदी। विशिष्ट अतिथि रहे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार काजी जामी। इस मौके पर प्रशासक तारिक सिद्दीकी, शिक्षक संतोष कुमार, वर्तिका वर्मा, मोनिका पटेल, सहनूर जेबा, रुबीना, अर्चना आदि लोग उपस्थित रहे। सिधौली से देखिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र कांत मौर्य की रिपोर्ट। आजादी की खातिर फांसी झूल गए मतवाले, आजादी की खातिर फांसी झूल गए मतवाले। व्यर्थ न जाने देंगे साथी, व्यर्थ न जाने देंगे साथी, हम उन वीरों का बलिदान। हमारी आन बान और शान, अपना भारत देश महान। हमारी आन बान और शान, अपना भारत देश महान। तन मन जीवन करके अर्पण रखना होगा इसका मान। तन मन जीवन करके अर्पण रखना होगा इसका मान। बांध शीश पर कफन खड़े, सरहद पर सीना ताने। बांध शीश पर कफन खड़े, सरहद पर सीना ताने। होठों पर है राष्ट्रभक्ति के मस्ती भरे तराने। होठों पर है राष्ट्रभक्ति के मस्ती भरे तराने। काल बने दुश्मन के लिए, काल बने दुश्मन के लिए, शेरनी की है संताने। हमारी आन बान और शान, अपना भारत देश महान। तन मन जीवन करके अर्पण रखना होगा इसका मान। तन मन जीवन करके अर्पण रखना होगा इसका मान। प्राण दीप की लौ जलने तक करते माँ का वंदन। प्राण दीप की लौ जलने तक करते माँ का वंदन। जिस माटी में लहू गिरे वो माटी हो जाए चंदन। जिस माटी में लहू गिरे वो माटी हो जाए चंदन। मरकर अमर हुए घर लौटे, मरकर अमर हुए घर लौटे। पहन तिरंगा का परिधान, हमारी आन बान और शान। अपना भारत देश महान, तन मन जीवन करके अर्पण रखना होगा इसका मान। तन मन जीवन करके अर्पण रखना होगा इसका मान। आज हमारे बीच में एम महाविद्यालय के सेक्रेटरी एडवोकेट MS फरीदी सर हैं। सर, आज आप इस गणतंत्र दिवस के अवसर में कुछ बताएं। जी, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल के माध्यम से। गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं अपने एम एजुकेशन ग्रुप के जुड़े हुए सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ और सभी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि COVID-19 की महामारी के बाद एक बार फिर हम सब लोग मिलकर के गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस दिवस में हमें उन पुराने दिनों की याद हो रही है जब हम एक साथ बैठते थे और इस खुशी को मनाते थे। ये गणतंत्र दिवस हमारे कॉलेज के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, जिसमें हमारी खुशियाँ और बढ़ीं, क्योंकि हमारे यहाँ BEd और DLED दो कोर्स चल रहे हैं और दोनों ही कोर्स में हमारे स्टूडेंट्स ने 100% रिजल्ट दिया है, जबकि BEd कोर्स में हमारे स्टूडेंट्स ने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। इसलिए मैं अपने उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना शानदार रिजल्ट दिया। अपने टीचर्स को भी बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत किया।
और इसके साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि COVID-19 लगभग ख़त्म की ओर है। अब इसमें हमें ये देखना है कि हम ऐसे कौन से काम करें जहाँ पर हम लोगों की ज़्यादा मदद कर पाएं।